प्रश्न तो नहीं बोला, तो प्रश्न हो जाएगा। तुम जैसे कहोगे मैं ऐसे ही करूंगा। तो सोची माता देखते हैं जो संन्यास लेकर के घर में रहना, ये बदनाम हो जाता है समाज जीवन में। अभी तो उतना संन्यास जीवन में संसार में उतना कोई प्रतिबंध है नहीं। संन्यासी हो करके घर जाते हैं, घर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अभी संन्यास भी ऐसा है, गृहस्थ आश्रम भी ऐसे ही है। पहले जैसे ऐसा कठोर नियम थोड़ी था। संन्यास लेकर के अपने गांव में कभी जा नहीं सकते हैं, कभी कुटुंब परिवार के साथ रहना संभव नहीं है। तो पहले ऐसे नियम, बहुत कठोर नियम था। चतुराश्रम जो हमारे समाज जीवन में था, बहुत सुंदर विधान था। ब्रह्मचर्य, फिर गारस्थ जीवन अवलंबन करना, गारस्थ के बाद 50 साल के बाद उसको घर छोड़ के जाना जरूरी था। पंचाशूर्ति बनंग वर्जित, 50 के बाद तुमको जंगल चले जाना पड़ेगा, तीर्थ पर्यटन। पहले ये चतुराश्रम था हमारे वैदिक जीवन में। अभी तो पाश्चात्य शिक्षा का ऐसा अंधा होर चल गया है, एक अंधा भौतिकवादिता आकर के हमारे आध्यात्मिक चेतन जीवन को चौपट करके उसके ऊपर एक अंधकार ऐसे प्रलेप डाल दिया है, जो कि वो चेतन सत्ता जैसे अवलुप्ति होते जा रहा है, धीरे धीरे भौतिकवाद में इस तरह से लिप्त होते जा रहा है हमारे समाज जीवन, हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता। ये वैदिक भूमि है, मुनि ऋषियों की भूमि है, लेकिन धीरे 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 वही लोगों का संयोग के कारण आकर के यहाँ बसत करना शुरू किया है। धीरे 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 संस्कृति में बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। चतुराश्रम था, पहले ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी था जन्म से लेकर के 25 साल तक। फिर 25 साल के बाद गृहस्थ आश्रम में जाना जरूरी था। फिर गृहस्थ आश्रम 50 साल तक, उसके बाद उसको संसार छोड़ के परिव्राजक हो करके भ्रमण करना है, परिव्राजन करना है, तीर्थ पर्यटन करना है साधु बन के। वानप्रस्थ, उसके बाद अगर 50 साल से 75 साल तक यह वानप्रस्थ आश्रम, मतलब उस समय अगर वो साधन करने में अपटु होता है, साधन करने में सामर्थ्य नहीं रहता है, संन्यास लेने का, संन्यास धर्म पालन करने का सामर्थ्य नहीं रहता है, तो क्या करेंगे? न अग्नि प्रज्वलन करके उसमें आत्माहुति दे देंगे, ऐसा था नहीं हो। संन्यास लेने में असमर्थ है, साधन तप तपस्या करने में असमर्थ है, तो क्या करेंगे? तो उसको अग्नि प्रज्वलन करके उसमें आत्माहुति देना पड़ेगा, ऐसा था नहीं हो। अगर सामर्थ्य है तो संन्यास लेकर के कठोर तपस्या में व्रती हो जाओगे। जब तक भगवत दर्शन नहीं होता है, तब तक जा करके जीवन मन प्राण समर्पित होकर के भगवान भजन भजन में एक तल्लीनता ऐसी होनी चाहिए, ऐसे जीवन होना चाहिए। निष्प्रिय, निर्लिप्त, उदासीन होकर के भगवत भजन ही एकमात्र जीवन का सार सर्वस्व समर्पित होकर के ऐसे जीवन व्यतीत करना है। ये संन्यास आश्रम, संन्यास लेने में असमर्थ हो तो अग्नि प्रज्वलन करके उसमें आत्माहुति दे दो, ऐसा नियम था। तो सोची माता देखते हैं बेटा तो ऐसे कह रहे हैं कि मैया आप जो कहोगे मैं ऐसे ही करूँगा, तुम कहो तो मैं तुम्हारे पास ही रह जाऊँगा। ये तो कहने की बात है, ऐसा थोड़ी होता है। सोची माता भी जानते हैं समाज जीवन में कलंक हो जाएगा, यदि मैं संन्यास लेकर के आप गृहस्थी हो गया तो हमारा खानदान का कलंक हो जाएगा, हमारे जो परिवार उसका पूरा खानदान में कलंक आ जाएगा, जगन्नाथ मिश्र का नाम में कलंक आ जाएगा। उसका बेटा संन्यास लेकर के गृहस्थ में रहता है, स्त्री पुत्र लेकर के रहता है, ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं माँ तुम आदेश करो, तुम जैसे आदेश करोगे मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। बोलो मैं क्या करूँ, हम तो भूल से, माँ हमने भूल से तो ऐसे ही संस्कार पर संन्यास ले लिया,
अब तुम कहो हम क्या करें मां, और तुम जहां कहो हम वहीं पर रहेंगे। तो मैया देखते हैं जो जगन्नाथपुरी रहने से कभी कभी हमारे लोग जब जाएंगे वहाँ उनसे मिलने के लिए खबर ला सकते हैं, ज़्यादा दूर है नहीं और उसका संन्यास धर्म भी रक्षा हो जाएगा, हमको भी खबर मिलेगा, संन्यास धर्म भी रक्षा हो जाएगा। तो कहते हैं तो ठीक है बेटा, तुम जब संन्यास ले लिया ठीक है, हमारे पूर्ण आशीर्वाद है, तुम जगन्नाथपुरी में रहो, ज़्यादा दूर नहीं, फिर हमारे लोग जाएंगे तुम्हारे पास खबर ले ला सकते हैं, हमको खबर दे सकते हैं, तुम्हारे खबर मिलने से हम चैन से थोड़ा जीवन धारण करके जी सकते हैं, नहीं तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे खबर अगर नहीं मिला, जो निमाई पंडित कहाँ है कोई खबर नहीं, तो बेटा हमारा तो संसार में ये अभागिनी जननी इसके तो कोई है नहीं बेटा, अगर तुम भी निरुद्देश्य हो जाओगे, तुम्हारी अगर खबर नहीं मिला तो हम मैं कैसे जीऊँगी बेटा, इसीलिए तुम नीलाचल में रह जाओ। अच्छा मैया, सबके सामने कह रहे हैं मैया आदेश किए हैं हम नीलाचल रहेंगे, ठीक है। ये तो प्रभु तो पहले ही जानते, अंतर्यामी रूप में जैसे बुलाएंगे ऐसे ही बोलेंगे, प्रभु की इच्छा ही है जगन्नाथपुरी रहेंगे, तो ठीक है। वहाँ तो भंडारा चल रहा अद्वित प्रभु के बहुत दिन का लालसा, जो समस्त गुगुर भक्त वृंद समस्त मिल करके हमारे यहाँ एक अद्भुत अनुष्ठान होगा, जहाँ समस्त हमारे महाप्रभु के पार्षद जितना है सब हरि नाम संकीर्तन हरि कथा प्रवचन भंडारा आदि होगा, हजारों लोग प्रसाद पाएंगे, हजारों लोग निवास करेंगे, उनकी इच्छा महाप्रभु तो जानते थे, तो लक्ष्मी जी तो विराजमान है ही, जहाँ वहाँ क्या कमी है, हजारों हजारों लोग प्रसाद पा रहे हैं, हजारे लोग वहाँ हरिकथा श्रवण कर रहे हैं, महाप्रभु कभी भाषण देते हैं हरिकथा, कभी अद्वित प्रभु ऐसे 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 सब हरिकथा प्रवचन करते हैं, आपका अखंड कीर्तन बड़े आनंद से दिन व्यतीत कर रहे हैं, आप बहुत दिन हो गया, आप महाप्रभु देखते हैं एक जगह रहना ठीक नहीं है, बहुत दिन हो गया, एक गृहस्थी जैसे एक जगह रह करके आनंद लेना, हमारा काम तो अभी पूर्ण हुआ नहीं, हमको तो बहुत कर्म करना है। मोरे निंदे ना करे नमस्कार, यही सब जीवर हमें करीब उद्धार, अतएव हमें सन्यास लईब, सन्यास बुद्धे मोरे प्रणत हईब, प्रणत हईले सर्वपाप हईबे नाश, शुद्ध चित्त कृष्ण भक्ति करीब प्रकाश। बोलते ऐसे भी निंदुक है जो मेरा निंदा करता है, बोले उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको भी हम उद्धार करेंगे, हम सन्यास लेंगे, सन्यास लेने से सन्यास बुद्धि से आकर के मेरे को प्रणाम करेगा, प्रणाम करने से उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध चित्त होने से उस शुद्ध हृदय में मैं भक्ति प्रदान करूँगा, अतएव मुझे सन्यास लईब, सन्यास बुद्धि मेरे प्रणत होइब, अब सन्यास लेंगे। तो सन्यास ले लिए हैं, हमारा तो काम तो बाकी है, हमको सारा भारत अभी पर्यटन करना है, वृंदावन जाना है, बहुत कर्म करना है, प्रचार धर्म के लिए बहुत भक्त इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों से मिलना है, हमारे सब पार्षद हैं सब पहले ही आए हैं, आके इंतजार कर रहे हैं महाप्रभु के, जैसे अष्टसखी ललिता विशाखा इन लोग सब आए हैं, राय रामानंद सेन शिवानंद बसु रामानंद आदि सब अवतीर्ण हुए हैं, उन लोग जगन्नाथपुरी में इंतजार कर रहे हैं, जाना है उनसे मिलना है, आप विदाई ले रहे हैं, महाप्रभु जाएंगे जगन्नाथपुरी, माता को तो पहुंचा दिए हैं, माता जात दिन थे जितना दिन कहे हैं कि देखो निमाय पंडित का रसोई तो मैं ही करूंगी, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी इसको, इसमें कोई बाधा नहीं देना, निमाय मेरे हाथ का रसोई खाना पसंद करता है, तो मैं जब तक रहूंगी तब तक मैं निजी हाथ से ही रसोई करूंगी, ऐसे। अच्छा अच्छा मैया, सोची माता कि जो इच्छा है वही होगी, सब कहे हाँ मैया हाँ ठीक है ऐसे ही होगा। सोची माता मोचा घंटो केले का फूल का मोचा ये तो बहुत पसंद करते थे महाप्रभु, तो रोज़ रोज़ मोचा घंटो आदि जो लाफड़ा व्यंजन ये सब महाप्रभु के लिए अलग अलग बनाते थे,
सामने बैठा करके, बेटा तू तो संन्यास ले लिया, ना जाने कभी कुछ खाने को मिलेगा कभी खाने को नहीं मिलेगा, संन्यास जीवन है ऐसा तो नहीं, तो अच्छा अच्छा खाएंगे, अच्छा अच्छा खाना मिलेगा ऐसा तो नहीं, संन्यास धर्म तो बहुत कठिन है, कभी भूखा कभी घृत घी घना कभी मुट्ठी भर चाना कभी मुट्ठी भी माना ये तीन समाना। तो बेटा अब माना नहीं करना, जब तक मैं हूँ तेरे पास हूँ, मैं जैसा रसोई करूँ तू खा लेना, तू संन्यास संन्यासी समझ करके तू ऐसा नहीं करना कि माँ हमें से अच्छे अच्छे वस्तु हम नहीं खाएंगे, हम संन्यास ले लिए हैं हमको रुका रुका दो, बेटा नहीं भाई ऐसा नहीं बोलना, ये मेरे प्रेम प्राण घाती हो जाएगा बेटा, मैं जैसे खिलाऊँ तू ऐसे खाना, हाँ मैया तुम जो भी खिलाओगे तुम्हारा मन जो चाहे वही बनाओ बना के तुम खिलाओ। तो निमाई पंडित को बैठा करके सोची माता आपने हाथ से छोटा बच्चा जैसे उठा उठा के खिलाते हैं बढ़िया बढ़िया चीज़, निमाई पंडित को मुख में देते हैं, ये सब देखते हैं आनंद लीला। सोची माता किस तरह से पुत्र स्नेह में विभोर होके, पुत्र स्नेह में आत्म भोला हो करके माता किस तरह से आदर के साथ निमाई पंडित को खिला रहे हैं, ये लीला देखते हैं। फिर जब महाप्रभु प्रसाद पाके चले जाते हैं, वो प्रसाद लेकर के तो भाई अब शुरू हो जाते हैं, हमको दो हमको दो हमको दो करके तभी हैं, फिर उस थाली में और सवर्ण लेकर के मिला करके अधरा में तो सब सबको बांट देते थे, सबको हाथ में थोड़ा, सभी चाहते थे महाप्रभु का प्रसाद मिल जाए, दुर्लभ महाप्रभु का अधरा में तो देव दुर्लभ देवता लोग भी तब तपस्या करके जिनका अधरा में तो मिलना कदापि संभव नहीं, वो कोई भी व्यक्ति कैसे भी हो, संस्कार हो चाहे ना हो, सुकृति हो चाहे ना हो, उसको मिल रहा है, ये महाप्रभु की अद्भुत कृपा अद्भुत करुणा। इस तरह से कुछ दिन रह करके फिर आप माँ से विदाई ले रहे हैं, माँ तुम जाओ हम तो अब जगन्नाथपुरी जाएंगे। तो बड़ी डुए मैया, बेटा हमको भूल नहीं जाना, बेटा जहाँ ही रहना देख, बेटा हमारा तो कोई है नहीं, कम से कम तेरा खबर मिल जाए, इतना हम जान करके हम जीवन धारण कर लूँगी, तो बेटा हमको भूल नहीं जाना, वचन दे बेटा तू हमको भूलेगा नहीं, ना मैया ना मैया, प्राण चले जाए वो भी शिकार है, लेकिन मैया तुमको हम भूलेंगे ऐसा कदा भी संभव नहीं मैया। तो मैया रोती रोती नाव में बैठा करके मैया को तो विदाई कर दिए हैं, फिर आप सब भक्तों से विदाई ले रहे हैं, महाप्रभु आप जाएंगे जगन्नाथपुरी, आप क्रंदन का रोल उठ गया एकदम, सब रो रहे चारों ओर, जैसे चारों महाशोक संतप्त होकर के धरित्री जैसे शोक सागर में डूब गया, जैसे धरित्री रो रहे हैं रो रहे हैं, महाप्रभु जा रहे हैं आप विदाई दो। अद्वित प्रभु समस्त भक्त बिंदु को प्रणाम करके, बड़े बड़े जो हैं श्रीवास पंडित आदि, आप महाप्रभु जा रहे हैं, अद्वित प्रभु का छाती जल रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है लेकिन रो नहीं पा रहा है, आंख में आंसू नहीं, अद्वित प्रभु के आंख में आंसू नहीं, क्या हुआ भाई महाप्रभु जा रहे हैं हमारे प्राण से भी अधिक और हमारे आंख में एक बूंद आंसू नहीं, कैसे कठोर हृदय हमारा, कौन सा अपराध के कारण हमारा हृदय इतना कठोर हो गया, हमसे ऐसा कौन सा गलती हो गया है। जाते जाते महाप्रभु के पीछे पीछे जा रहे हैं, सब भक्त बिंद भी जा रहे हैं, जितना दूर हो महाप्रभु को पहुंचाने के लिए नियम है अनुगमन करना, पीछे पीछे जाना। अद्वित प्रभु कहते हैं प्रभु तुम बताओ हमसे क्या अपराध हो गया। बोले नहीं ऐसे आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, ये बात आप क्यों कह रहे हैं, आपसे अपराध, अपराध तो हम लोग से होता है, आपसे क्यों अपराध होगा, आप तो भगवान है। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है प्रभु, देखो तुम जा रहे हो सब शोक संतप्त होकर कैसे रो रहे हैं, हमारे आंख में एक बूंद आंसू नहीं, कितना हृदय हमारा कठोर हो गया बता,
ऐसे क्यों हो गया? भीतर तो जल रहा है, जैसे भीतर में अग्नि फड़क रहा है, लेकिन आंख में आंसू नहीं। तो महाप्रभु ने एक तो अंचल, यहाँ एक तो गाँट लगा हुआ है इस अंचल में, जैसे दिखा रहा है। प्रभु ये क्या है, ये गांठ क्या है? बोले ये इसमें है तुम्हारा आंसू, तुम्हारा तुम भी अगर रोगे तो इन सबको संभालेगा कौन? इनको तो संभालना पड़ेगा ना, धैर्य धारण करना पड़ेगा। धैर्य नहीं रहेगा तो फिर संभालेगा कौन? सभी ऐसे पागल प्राय हो जाएगा तो कौन किसको संभालेगा? तो तुम्हारा आंसू मैं लेके जा रहा हूँ, इन लोगों को संभाल लो, फिर मैं खोल दूंगा, एक गांठ खोल दूंगा, इसमें तुम्हारा आंसू अब लेके जा रहा हूँ। महाप्रभु चले गए जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी ये लीला तो आप लोग श्रवण किए हैं, अद्वैत प्रभुदा तो खूब प्रचार किए हैं, फिर मन नहीं माना, आप अद्वैत प्रभु गए हैं सब भक्त मंडली को लेकर के, फिर चतुर्मास के पहले गुरु पूर्णिमा के समय चलो महाप्रभु के पास वहाँ जाएंगे, तो वहाँ समस्त उड़िया गौड़िया का मिलन, महामिलन, महाप्रभु से मिलन, ये आनंद एक अद्भुत आनंद, चार मास वहाँ रहे नित्यानंद प्रभु आदि सबके साथ रह करके, महाप्रभु के साथ रह करके परम आनंद लीला वर्धन किए। फिर जाके महाप्रभु अद्वित प्रभु को कहा जे आप अभी माता ना, हम अभी जाएंगे, हमारा बड़ा भाई चला गया है विश्वरूप संन्यास लेकर के, हम उनको अनुसंधान के लिए हम जाएंगे ढूंढने के लिए दक्षिण भारत, इसलिए 6 साल कुछ साल हम नहीं आ पाएंगे। कुछ नहीं बहाना है, आप लोग प्रचार करना है, महाप्रभु आपने ये प्रेम धर्म प्रचार करने के लिए ये बहाना बना करके अपना भाई का अनुसंधान करने का इच्छा लेकर के ये दिखावा है। वो तो जानते हैं, वो भाई तो चले गए, वो भाई ही तो साक्षात नित्यानंद प्रभु रूप में आए, जब चले गए उनसे एक ज्योति आकर के मिल गए नित्यानंद प्रभु से, विश्व रूप जब शरीर छोड़ दिया। जानते हैं, फिर आने का बाद फिर वृंदावन गए, वृंदावन जाने का बाद अद्वित प्रभु तो आप शांतिपुर में है, तो वहां से एक पत्र लिखा है हियाली महाप्रभु के लिए, दूसरा बार जब सब गए तो एक पत्र लिखा रहा है हियाली, उस हियाली में लिखा हुआ है बाउल के कहियो हाटे नाबिकाए चाउल, बाउल के कहियो सब लोग भैया से आउल, बाउल के कहियो यह कहिया से बाउल, ये पत्र भेजा है। बाउल के कहियो हटे नाबिका है चाउल, बाउल के कहियो सब लोग भैया से आउल, बाउल के कहियो यह कहिया से बाउल। इसका माने तो सब कुछ समझ नहीं पाए, महाप्रभु समझ गए हैं जो क्या कहना चाहते हैं। महाप्रभु को ये संदेश दे रहे हैं जो इधर जो प्रेम धर्म प्रचार, ये प्रचार पूर्ण हो गया, आप घर घर में हरिनाम संकीर्तन हरिनाम प्रचार, सब लोग भगवत धर्म अनुशीलन कर रहे हैं, चारों ओर एकदम भरपूर प्रेम धर्म का प्रचार हो गया है, आप इसका जरूरत नहीं है, माने आप विदाई दे रहे हैं। तो महाप्रभु को पूछ रहे प्रभु इसका माने क्या है? बोले माने शायद ऐसा होता है ना, जब प्रतिमा बनाते हैं पूजा करने के लिए, प्रतिमा को आह्वान किया जाता है, तो प्रतिमा को आह्वान करने का बाद जब पूजा हो जाता है तो वो प्रतिमा को विसर्जन दे देते हैं, शायद ऐसा ही होगा। माने समझ गए निर्देश जी, आप हमारा लीला संवरण करना है, महाप्रभु जान गए हैं। फिर महाप्रभु अंतर्मना हो गए एकदम गंभीरा में, अंतर्दशा में चले गए एकदम अंतर्दशा। अंतर्दशा में जा करके महाप्रभु
एक दिन जगन्नाथ मंदिर में जा करके वहाँ अदृश्य हो गए, जगन्नाथ में लीन हो गए। महाप्रभु की अंतर्धान दशा जुगपत तीन स्थान पर हुआ है, एक जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी में, दूसरा नंबर समुद्र में, तीसरा है टोटा गोपीनाथ में। गोपीनाथ में वहाँ गदाधर पंडित जो है, गदाधर पंडित के जो विग्रह है टोटा गोपीनाथ, उनमें जाके उनके सामने लीन हो गए, गदाधर पंडित के सामने लीन हो गए। आप इधर खबर पहुंच गया, नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु सब जो जहां थे वो एकदम जैसे मृत प्राय हो गया, किसी का कोई शुद्ध बोध नहीं, कोई शुद्ध बोध नहीं, मैंने भजन भजन किया सब शोक संतप्त होकर के ऐसे अंतर्दशा में निमग्न हो गए, हा हुताश, रोना पिटना दर्जा बंद करके सिर्फ एक विरह वेदना अनुभव करना, तीव्र विरह वेदना महाप्रभु के लिए, सबके लिए। इसीलिए महाप्रभु अंतर्ध्यान के बाद और कोई कलम लेकर के कुछ लिख के नहीं गया, क्या हुआ महाप्रभु के पार्षद जो थे उन लोग किसने क्या किए हैं, कैसे कैसे जीवन व्यतीत किए हैं, भजन किए हैं या शरीर त्यागे हैं, कोई इतिहास मिलता नहीं है, सब अंतर्दशा में चले गए। अद्वित बाबू भी बहुत दुखी हो गए, अब महाप्रभु को पुकार रहे हैं, महाप्रभु आते नहीं है, तो सोचे थे एक बार तो हमने जोग वशिष्ठ व्याख्यान करके तो महाप्रभु को बुलाए थे, महाप्रभु क्रोधित तो होकर आए थे, हाँ फिर ज्ञान की महिमा व्याख्यान के देखें कैसे नहीं आता है, तुम्हारा भक्ति धर्म रक्षा करना है तो तुम हमारे पास आना ही पड़ेगा। फिर अद्वित प्रभु क्या जाने मन में क्या आया, फिर ज्ञान मार्ग लेकर के से आलोचना करना शुरू किया है, ज्ञान ही प्रधान है, ज्ञान ही प्रधान है, भक्ति तो आगे नहीं, आगे तो ज्ञान, फिर भक्ति, ज्ञान बिना भक्ति का कौन कदर करता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो फिर जा करके साक्षात महाप्रभु सामने हाजिर हुए हैं, साक्षात आप फिर ऐसे ही ज्ञान का व्याख्यान, बोले क्या करें हमको मजबूरी से ऐसा करना पड़ा, तुम अंतर्ध्यान हो गए, हमसे मिला ही नहीं, हमको दर्शन दिया ही नहीं, खूब रोना शुरू किया अद्वित प्रभु, खूब रोना शुरू किए महाप्रभु, खूब रोना शुरू किए, साक्षात अवतीर्ण होकर के फिर छाती में भर लिया, हम कि तुमसे बाहर थोड़ी है, हम तुमसे बाहर थोड़ी रहते, जब भी चाहो हम तुम्हारे पास ही है, ये तो आविर्भाव तिरुभाव मात्र है, ये तो प्रकट और अप्रकट, हम तो नित्य विद्यमान है, आप क्यों ऐसे भ्रमित हो रहे हो, आप क्यों ऐसे समझ रहे हो हम चले गए, हम नित्य काल के लिए हैं, पहले थे अभी हैं पीछे रहेंगे, अभी सदा विद्यमान, ये भ्रम आपके मन से गया नहीं, आप ऐसा नहीं करना। फिर खूब रोए अद्वैत प्रभु को वो सांत्वना दे करके, फिर महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए। फिर नित्यानंद प्रभु दुखी हो गए, अब देखते हैं हम क्या करें, बहुत दिन हो गया अब मन नहीं लग रहा, नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाएंगे। महाप्रभु को अंतर्ध्यान के 12 साल के बाद खड़दा श्याम सुंदर सब भक्त मंडली का निमंत्रण किया, अद्वैत आचार्य प्रभु आदि सबको निमंत्रण किए, आप लोग सब आ जाओ यहाँ हम एक कीर्तन अनुष्ठान करेंगे। तो आए हैं भव्य कीर्तन, खूब कीर्तन, कीर्तन में देख महाप्रभु भी आए हैं, महाप्रभु भी नाच रहे हैं, अद्वैत नाच रहे हैं, समस्त पार्षदों के साथ एकदम सब जितना पार्षद सब आके हाजिर हो गए हैं, जो नित्य वर्तमान है जो अवर्तमान सब आए हैं, अद्भुत दिव्यानंद चटा। इतने में नित्यानंद प्रभु सीधा मंदिर में प्रवेश कर गए, दरवाजा बंद कर दिए, दरवाजा खोले, नित्यानंद प्रभु श्याम सुंदर में लीन हो गए, नित्यानंद प्रभु फिर लौटे नहीं, विग्रह में लीन हो गए। आप अद्वित प्रभु अकेला पर गए, उसके 12 साल बाद अद्वित प्रभु मदन मोहन जो है शांतिपुर में, वहाँ सब कीर्तन मंडली बुलाए, आओ सब आओ हम लोग कीर्तन करेंगे, वहाँ सब आए, बहुत सारे जितना भक्त वर्तमान अवर्तमान
प्रकट अप्रकट जितना है महाप्रभु सब आए, खूब कीर्तन किए। अद्वैत प्रभु चले गए मंदिर के भीतर, जाकर के दर्जा बंद कर दिए, मदन मोहन से विलीन हो गए अद्वैत प्रभु।